तो ये सारा फगोड़ा का जो हमने देखा और काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी मेडिटेशन लिया, एकदम इन्जॉयमेंट, पूरी शांति पीसफुल है। और इस असल में अपने एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ, बस उसका इंतजार है, फिर चलेंगे। तो फाइनली हमने टिकट विकेट कटा ली है और फाइनली दोस्त भी आ चुका है, तो फटाफट चलते हैं, डेस्टिनेशन को पूरा करते हैं और बहुत खूबसूरत वाली जगह पर जा रहे हैं। अभी नाम नहीं बताएंगे बट बहुत अच्छी जगह घूमने लायक, और चलते हैं आगे फटाफट, ट्रेन पकड़ते हैं और आगे मिलते हैं आपको फटाफट फटाफट फटाफट, लेट हो गया फटाफट नहीं। फाइनली हम लोग पहुँच गए प्लेटफॉर्म में और प्लेटफॉर्म से पीछे देख लीजिए ट्रेन आ रही है और हम अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे बोरीवली, बोरीवली से आगे मतलब डेस्टिनेशन चेंज होगा। अब वहाँ से क्या करते हैं, ऑटो करते हैं कि क्या होगा, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अभी का फिलहाल यहाँ का सीन है, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग मरीन लाइन से बोरीवली का लोकल ट्रेन लेके जाएंगे। फाइनली लोकल ट्रेन आ चुकी है और लोकल ट्रेन में हम लोग बैठ चुके हैं। वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ट्रेन में है तो साउंड क्लियर नहीं आएगा। अभी हम लोग पहुंच गए बोरीवली स्टेशन, तो अभी यहां से पता कर रहे हैं कि कैसे जाना है। तो हम फिलहाल अभी जा रहे हैं फगोड़ा, फगोराई बीच करके है वहां पर, ग्लोबल विकास है ना फगोड़ा, शॉर्ट नेम है फगोड़ा। गोराई बीच, तो गोराई बीच जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बोरीवली स्टेशन से नीचे उतर रहे हैं, सस्पेंस बहुत हो चुका था इसलिए मैंने बोला कि अब बता देते हैं कि हम जा रहे हैं फगोड़ा, बहुत खूबसूरत। तो अभी फिलहाल हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, दोस्त भी बैठा हुआ है, तो फिलहाल हम निकल रहे हैं गोराई बीच के लिए, चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं आपको आगे का व्यू का मजा लीजिए। तो फिलहाल अभी हम डेस्टिनेशन में तो पहुंचे नहीं है, यहाँ से मुझे लेनी होगी फेरी और फेरी लेते ही मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा। अभी फिलहाल भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लूँ, तो मिसल पाव का ऑर्डर दिया हुआ था, अभी मिसल पाव आता तो फिर उसको खा के फिर आगे की डेस्टिनेशन को पूरा करेंगे। तो चले आगे खाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। आगे मिसल पाव, इसे बोलते हैं मिसल पाव, पता नहीं क्या बोलते हैं, अब बहुत टेस्टी लग रहा है, कलरफुल है, एकदम एंजॉय करेंगे। चश्मा लगा लिया आपके लौंडे ने, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। खाना वाना खा के हो गया है पेट टाइट, तो अब हम लोग चल रहे हैं आगे फेरी की तरफ। तो ये है आगे का नज़ारा, कुछ साईं का भी है यहाँ पर, तो ये है पूरी साईं का मंदिर, ये है एंट्रेंस जो जाने का एरिया। अब चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखा देखते हैं कैसा है टेम्पल, फगोड़ा टेम्पल है कि नहीं। फटाफट चलते हैं, बोट आई हुई है तो बोट में फटाफट बैठते हैं और निकलते हैं फगोड़ा की तरफ। ये रही बोट, अभी जो फगोड़ा की बोट है वो शायद नहीं चल रही है, तो ये गांव वाली बोट है, इसी में अंदर में ही टिकट मिलेगी आप लोग को, तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं और हो सकता है फाइनल आगे पहुँचने के बाद शायद रिक्शा उक्शा लेना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं फटाफट, बोट पर बैठते हैं और इन्जॉय कर। इस बोट में बंदे भी और बाइकें भी सब जाती है, फुल वो रहा फगोड़ा। ये बोट की जर्नी 2 मिनट भी नहीं लगी होगी मेरे को और हम लोग पहुँच गए। बहुत जल्दी पहुँच गए, अब आगे यहाँ पर टिकट लगी, ये गेट लग रहा है वहीं पे टिकट विकेट कटेगी हमारी लग रहा है टिकट, अब यहाँ टिकट कटानी पड़ेगी हमें, और देखते हैं टिकट कटाते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ से ऑटो लिया है, 80 रुपया यहाँ से है फगोड़ा बोलता, 3-3.5 किलोमीटर है। तो अभी फिलहाल ऑटो लेके हम लोग निकले हुए हैं फगोड़ा की तरफ, जो टिकट लगी थी पर पर्सन 15 रुपया ना, ये रही वो टिकट। अगर इसमें लिखा है क्या लिखा है पर पर्सन 15 रुपया, उससे महंगा ऑटो है, बोल रहे हैं कि 3-3.5 किलोमीटर है यहाँ से फगोड़ा, तो अभी ऑटो लेके हम लोग निकले हुए हैं जा रहे हैं।
फाइनली इतनी मशक्कत करने के बाद हम पहुंच गए हैं फगोड़ा। ये रहा फगोड़ा, इतना खूबसूरत है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, रेड एंड गोल्डन है वो, बहुत सारा एकदम सुंदर एकदम प्लेस, बेस्ट है यहाँ एकदम आना, एकदम बहुत अच्छा है। दिखाता हूँ आपको, ये है कुछ नज़ारा, थम्स अप। अभी फिलहाल हम करते हैं यहाँ से एंट्री और चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको कितनी खूबसूरती है यहाँ पर फगोड़ा में। फगोड़ा बोले तो एकदम शांति का प्रतीक है ये, मेडिटेशन के लिए बहुत सुंदर है और शांति बहुत है। तो अभी फिलहाल देखिए नज़ारे। चलिए ऐसा लग रहा है एकदम नज़र हट ही नहीं रही है, इतना शानदार है और इतना कलर कॉम्बिनेशन है। वो पीछे देखिए आप, क्या नज़ारा एकदम, जूम करके दिखाता हूँ, क्या कलाकारी है एकदम। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर की पब्लिक बाहर आएगी, फिर हमारी एंट्री होगी अंदर, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो जाती है इसलिए शायद क्वाइट को लेके थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन कर रखा होगा कि पब्लिक इतनी अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी, फिर हमारा नंबर आएगा। तो देख सकते हैं आप पब्लिक अंदर से बाहर आ रही है, ये सब सारी पब्लिक अंदर से बाहर आ रही है, फिर हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, इतना टाइम आएगा, बहुत ज़बरदस्त आएगा। नज़ारा एकदम ऑसम सा फीलिंग है सही में। मैं इस वीडियो में बोल रहा था कि ये कोई टेंपल है बट मेडिटेशन है, ये रहा मेडिटेशन का पूरा व्यू। टेंपल बोलने के लिए पर ये है मेडिटेशन, ठीक है। ये अंदर चलते हैं और अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। भाई साहब गजब सा नज़ारा एकदम ऑसम सा एकदम, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, जो रात में जब लाइटिंग होगा ना, हाँ इसकी लाइटिंग वीटिंग, ये बहुत बड़ा घंटा फोटोशूट होगी यहाँ की। अब चलते हैं ऊपर और ऊपर आपको दिखाते हैं इतना बड़ा घंटा जो है, घंटा का साउंड कितना अच्छा है। मार कस के कलाकारी है भाई, चलते हैं मेन जो मेडिटेशन का एकदम हॉल है उसके अंदर जाएंगे, जाने का रास्ता ये पूरा कसम सा ऑसम सा व्यू है, कभी ऐसा नज़ारा देखा नहीं, बट जबरदस्त का नज़ारा एकदम, फीलिंग एकदम गजब की हो रही है एकदम सही में, मेडिटेशन का एकदम ये लग रहा है एकदम शांति, बहुत पीसफुल है और बहुत शांति है। अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, हो सके तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। से एक चीज़ है यहाँ देखने के लिए और इतनी शांति है कि नज़र हट ही नहीं रही है, एकदम ऑसम सा व्यू है यहाँ का और ऑसम सा नज़ारा, और नज़र तो हट नहीं रही है, किसको छोड़ूँ और किसको देखूँ, बस देखते चले जाओ, और बहुत अच्छी शांति मिल रही है, एकदम पीसफुल है, और व्यू का तो
मत पूछो व्यू का तो नज़ारा ही नज़ारा है, एकदम ऑसम सा एकदम फीलिंग हो रही है। पैसा वसूल पैसा वसूल पैसा वसूल एकदम। मैं तो सोच रहा था कि जो हमने विसल पाव खाया था उससे महंगा तो हमें ऑटो पड़ गया। और चलिए डिटेल में लास्ट में दूंगा आपको, तो अभी जो व्यू का नज़ारा है वो लीजिए और हमें भी आनंद लेने दीजिए और मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए। दिखा रहा हूँ, ये बोल रहा है मैं बैठूंगा पर बैठना नहीं है, घूमने आया हूँ, एंजॉय करने आया हूँ। ये कंटिन्यू घूम रहा है एकदम और ऑसम सन नज़ारा एकदम। दिखा रहा हूँ अशोका पिलर, तो ये मेरे सामने अशोका पिलर दिखाता हूँ आपको। पहले उसके जो लिखा हुआ वो पढ़ लीजिए आप लोग। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों लोग का भी खेलने का पूरा बनाया हुआ, बच्चे लोग यहाँ खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी वीकेंड को। ये यहाँ बच्चों लोग का खेलने का बना रखा फाउंटेन और ये नजरें हट नहीं रही है, इतने खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत चीजें, बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पर। कलर कॉम्बिनेशन मेरे को एक नंबर लगा एकदम। देख मैं जो बोला अभी ना वो अगर हाँ बोलो क्या बोलो। बहुत बहुत खूबसूरत चीजें हैं, मेरा तो नजर नहीं हट रहा है। ये ब्लॉगर है, इसका नजरिया कुछ अलग है, मेरा कुछ अलग है। अगर ये वाला कट गया वीडियो से तो इसके साथ मेरा दोस्ती खत्म। नहीं नहीं दोस्ती तो नहीं खत्म करेंगे, भले आप लोगों को पसंद आया ना पसंद पसंद आए या ना आए इसके वर्ड, बट ये क्लिप जरूर डलेगा वीडियो में। और ये गेट है कि क्या है पता नहीं, क्या ये इतना बड़ा डोर है कि क्या है, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और एक से एक सीन और एक से एक व्यू का नजारा आप लोग लीजिए बस। हिस्टोरिकल लैंडस्केप और ये सुंदर सा नज़ारा। यहाँ सोलर प्लानट भी लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम का यहाँ पर पूरा प्रबंध है, इसी से लाइट उठ जाता होगा, ये सोलर से ही मतलब लगता है इनका पूरा लाइट उठ। इस तरफ नीचे शायद गार्डन है और पार्क है। वीडियो शूट करना मना होगा बट यहाँ मेडिटेशन चल रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से आपको दिखा रहा था वो एक्चुअली और बुद्धा की मूर्ति है, तो मैं अभी मूर्ति आपको दिखाता हूँ बुद्धा की, मानो बुद्ध अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये जो अभी आपने मूर्ति देखी वो महामानव बुद्ध की थी, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ अगर आपको आना है तो बोरीवली एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आप आ सकते हैं। और आके यहाँ पर आने के बाद ऑटो मिलेगा आपको, गुराई क्रिक करके एक जगह है, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। वहाँ से बोट या फेरी चलती है, पहले मतलब जो एसएल वर्ल्ड थी उसकी बोट चलती थी, अभी बोट वो नहीं चल रही है, तो यहाँ के लोकल की बोट चलती है। तो वो विद इन पर पर्सन 15 रुपये लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से आपको उतारा जाएगा एक आइलैंड की जैसा ही है। आइलैंड पे आने के बाद आपको 80 रुपये पर ऑटो का किराया लगेगा, 80 रुपये आना और 80 रुपये जाना। मेडिटेशन का बहुत अच्छा प्लेस है और यहाँ पर एक साथ मेडिटेशन लेने के लिए कम से कम 8,000 बंदे यहाँ पर आके मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसका रूल भी है, 10 दिन पहले क्लासेस करनी पड़ती है, उसके बाद वो मेन पकौड़ा का जो मेडिटेशन हॉल है उसके अंदर एंट्री होगी 10 दिन क्लास करने के बाद। आई होप ये वाली आपको नॉलेज आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई सी वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय। पकौड़े को करते हैं अब बाय 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 बाय।